हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, मैं आपका दोस्त अंकुश और मेरे साथ है पलक। आज हमारा फोर्थ और लास्ट डे है गोल्ड कोस्ट में, और लास्ट डे हम अपना रिलैक्सिंग बनाना चाहते हैं, तो इसलिए हम बीच साइड पर आए हैं। और ये आप जो कोस्ट लाइन देख रहे हो, ये 3 किलोमीटर्स की एक्सटेंडेड कोस्ट लाइन है सर्फर्स पैराडाइज पर। इस टाइम अभी हम हैं, और पीछे आप जो देख रहे हो ये सब बिल्डिंग्स, ये होटल्स हैं, अपार्टमेंट्स हैं। ये Q1 है, और इधर नोवोटल हो गया, ये हिल्टन, पेपरव्यू और मैरिटन करके बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं यहाँ पर। तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा एम्बियंस है यहाँ पर, लोग इंजॉय कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, कहीं सनस्क्रीन लगा कर लेटे हुए हैं, कहीं यहाँ पर सर्फिंग कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छा रिलैक्सिंग माहौल है यहाँ पर। तो आज इस वीडियो में हम आपको ये बीच दिखाएंगे, और साथ में आपको यहाँ के लोकल जो शॉप्स हैं वहाँ लेकर चलेंगे। तो अभी चलते हैं साथ में, आपको मैं बीच साइड दिखाता हूँ, और फिर उसके बाद हम चलेंगे लोकल मार्केट। ये जहाँ पर अभी हम हैं ये सर्फर्स पैराडाइज है, तो आप सोच रहे होंगे कि ये सर्फर्स पैराडाइज इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे सर्फर्स होते हैं। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर 1923 में एक इंसान था जेम्स कैबल करके, उसने एक लैंड खरीदी थी, मानोगे 40 पाउंड्स में उसने वो लैंड खरीदी थी, और उसके बाद उसने वहाँ पर होटल बिल्ड किया था जिसका नाम उसने सर्फर्स पैराडाइज रखा था। उसके बाद से यहाँ पर और होटल्स आने लगे, बड़ी बड़ी कंपनी आने लगी, और ये बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट फ्रेंडली प्लेस बन गया। एक घंटा हमने यहाँ पर बीच पर स्पेंड किया, उसके बाद हमें भूख लगी थी काफ़ी, तो हमने गूगल पर एक दो इंडियन रेस्टोरेंट एक्सप्लोर किए, तो वो थोड़ी दूर हैं, तो जाने के लिए पहले हम सोच रहे ट्रैम से जाएं, पर यहाँ पर हमें फिर ये लाइम बाइक्स भी मिल गई, इलेक्ट्रिक बाइक्स हैं, और हमने सोचा कि इसके थ्रू चलते हैं, तो पलक को भी थोड़ा इसका एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैंने तो एक दो बार चलाई है पहले, और ट्राई करते हैं आज, और फिर पलक से पूछेंगे उसके रिव्यूज़ कैसे थे। बहुत मज़ा आया, बहुत ज़्यादा। पलक आपका कैसा रहा? मैं अभी आपका भी रिकॉर्ड करता हूँ। मुझे बहुत मज़ा आया साइकिलिंग करके यहाँ पर, एंजॉय। मैंने तो स्कूटर चलाया था छोटे वाला पहले, लाइम बाइक का, बट बाईसाइकिल का फर्स्ट टाइम मेरा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा रहा, बहुत बढ़िया था। आप भी अगर कभी आओ यहाँ पर तो ये ट्राई कर सकते हो। अब हम आए सिटी घूमने, और ये एक्वाडक है, ये पहले लोगों को पिकअप करती है एंड फिर एज इट इज सी में चली जाती है। ये गोल्ड कोस्ट की ट्रैवल बुकलेट है एक, जो हमने एयरपोर्ट से ली थी। इसमें आपको जगहें मिल जाएंगी घूमने के लिए, और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आपको इसमें वाउचर भी मिल जाएंगे। ये सर्फर्स पैराडाइज का छोटा सा शॉपिंग सेंटर है, यहाँ पर आपको बेसिक चीज़ें मिल जाएंगी। और अब हम यहाँ से ट्रैम लेंगे और एयरपोर्ट के लिए वापस निकलेंगे। फाइनली 4 दिन हो गए हैं आज, और आज हमारा वापस जाने का टाइम भी आ गया। गोल्ड कोस्ट के एयरपोर्ट पर पहुँच गए हैं हम, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही आए हम, और अब छोटा सा प्यारा सा एयरपोर्ट है ये। तो अब ये गो कार्ड्स की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, गो एक्सप्लोर कार्ड करके, तो ये WH Smith से आपको मिल जाएंगे एयरपोर्ट में,
ये तब यूज़ होते हैं जब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ट्रैवल करते हो गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड में, और $10 पर डे का चार्ज होता है। 4 डेज़ का हमने लिया था तो $40 का पड़ा था हमें। तो मुझे तो बहुत मज़ा आया पूरे ट्रिप में, और 4 दिनों का अगर मैं बोलूँ कि मेरा कौन सा बेस्ट था, वो सबसे ज़्यादा मज़ा आया मुझे मूवी वर्ल्ड में, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे कार्टून कैरेक्टर्स थे और सुपर हीरोज़ भी थे, मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है वो। तो वो वीडियो का लिंक भी मैं आपको डाल दूँगा, अगर नहीं आपने चेक किया तो यहाँ पर चेक कर सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड वील सी यू इन अवर नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय।